नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार बहुजन न्याय मंच की तरफ से आज एक राजभवन मार्च निकाला गया है। फिलहाल पुलिस ने राजभवन मार्च को डाकबंगला चौराहे पर रोक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चारों ओर ये जो छात्र हैं यहाँ पे पूरे बिहार के हर जिले से आए हैं। दरअसल इनकी मांग है जो पोस्ट छात्रवृत्ति जो राशि है जो पुरानी नियमावली के तहत किया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में नीतीश सरकार ने छात्रवृत्ति में कटौती की थी, इसी के खिलाफ आज इन्होंने राजभवन मार्च निकाला। तस्वीरों में देख सकते हैं डाकबंगला चौराहे के चारों ओर छात्र इकट्ठा हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद दिए, इनकी भी संगठन ने इसे राजभवन मार्च में शिरकत किया। बताइए, आप लोगों ने आज राजभवन मार्च निकाला? देखिए, हम लोग राजभवन मार्च जिस तरह से 2016 में हम लोग विधानसभा मार्च किए थे, यही छात्रवृत्ति की कदम। 3 साल हो चुका है, अभी तक दलित छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसके बाद पूरे बिहार के अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थिति एकदम खराब है, वहाँ पढ़ाइयाँ नहीं हो रही, अम्बेडकर छात्रावासों में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। और जिस तरह से पूरे देश के महापुरुषों बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा, महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, उसके लिए हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन के लिए उतरे हैं। और हम लोग राजभवन मार्च के लिए उतरे हैं पूरे अम्बेडकर हॉस्टल इसवा और द ग्रेट भीम आर्मी बहुजन न्याय मंच के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डाकबंगला के चारों ओर छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, और कई दलित संगठन मिलकर इन्होंने आज एक राजभवन मार्च निकाला था, जिसके तहत आप देख सकते हैं डाकबंगला के चारों ओर सिर्फ नीले झंडे ही दिख रहे हैं। और इनकी मांग है जो पुरानी नियमावली के तहत जो देखिए पुलिसकर्मी लगातार पुलिसकर्मी और समझाते हुए आप देख सकते हैं कि बस ड्राइवर जिसने ट्रैफिक को रूल को तोड़ा था वो आगे आ गया था, उसे पुलिसकर्मी लगातार उसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप तस्वीरों में देखिए, ये लाइव तस्वीरें डाकबंगला चौराहे के बाहर की है, जहाँ पर पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को डाटा है। दरअसल ये फिलहाल एक बस जो है वो निकल रही है। पूरे डाकबंगला चौराहे पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन ना कीजिए, क्योंकि डाकबंगला चौराहा जो है प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो अलग अलग दलित संगठनों से जो छात्र आए हैं वो अभी भी डटे हुए हैं डाकबंगला चौराहे पर। हम आपको इस खबर से पल पल अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल डाकबंगला चौराहे पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।